सीरियल अनुपमा में जहां अनुज कपाड़िया ने समर को नंदनी को खोजने में की मदद और दोनों को घर लेकर आए, इसके लिए शाह परिवार अनुज को कहते हैं दिल से धन्यवाद। वहीं वनराज अभी भी हैं अपने एटीट्यूड में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अनुज कपाड़िया बने उनके परिवार के लिए हीरो। वहीं परिवार वाले नंदनी को सांत्वना देते हैं और उसे उनके साथ रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रोहन भविष्य में उनके लिए और परेशानी पैदा कर सकता है। इसी बीच अनुज समर से कहता है कि अगर उसके साथ ऐसा होता तो वो दूसरे लड़के को अपनी हॉकी स्टिक से पीट देता, लेकिन उसने कहा कि ऐसा करना सही नहीं होता। समर ने आधी बातचीत सुनी और रोहन को अगले दिन मिलने के लिए कहा। वहीं अनुज कपाड़िया चुपचाप वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन अनुपमा उसका पीछा करती है और अनुज के पास आकर उसे धन्यवाद देती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वो अपने जीवन में बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास अनुज जैसा दोस्त है और आगे भी उसे कोई समस्या होगी तो वो उसके पास जरूर आएगी। अनुपमा की ये बात सुनकर अनुज बहुत खुश होता है और वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ वनराज कहता है कि वो अनुज के गलती करने का इंतजार करेगा ताकि वो एक बार फिर अपनी बच्चों के नजरों में हीरो बन सके। वहीं अगले दिन जब परिवार वाले आरती कर रहे होते हैं, समर रोहन से मिलने आता है और उसे रॉड से हिट करता है, और फिर जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जब वो मदद के लिए अनुज के पास जाता है और उसे पूरी घटना बताता है। अनुज पहले तो उसे बहुत डांटता है, लेकिन फिर उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वेल, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनुज देविका से कहता है कि उसने अनुपमा के लिए एक लहंगा खरीदा है। देविका इसे अनुपमा के पास ले जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वनराज उस कार्ड को देखता है जिसमें लिखा गया था कि इट्स फ्रॉम अनुज। वेल, अब क्या करेगा वनराज और इस बात को लेकर क्या होगा नया ड्रामा, ये देखना दिलचस्प होगा।